नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से एन पहले प्रशांत किशोर के विरोध में टीएमसी में मची भगदड़ से हम सब बखूबी परिचित हैं। हाल ही में उनका क्लब चैट ऑडियो सामने आया था, जिसमें वह बंगाल चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के जबरदस्त प्रभाव को बयां कर रहे थे। उसके बाद से वह लगातार बंगाल चुनावों में ममता बनर्जी की संभावित हार से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब पंजाब में चुनाव होने वाले हैं, तो एक बार फिर से पंजाब में होने वाले चुनावों से प्रशांत किशोर का नाम जोड़ा जा रहा है। आखिर क्या है पूरा मामला, जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले ही प्रशांत किशोर को अपना प्रधान सलाहकार बना चुके हैं। उन्होंने 2017 के विधानसभा चुनावों में भी पंजाब और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए काम किया था, लेकिन पंजाब के एक कांग्रेस नेता की किताब चुनाव से पहले प्रशांत किशोर और पार्टी दोनों की मुसीबत बढ़ा सकती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पंजाब राज्य उद्योग विकास कॉरपोरेशन के चेयरमैन कृष्ण कुमार बावा की किताब संघर्ष के 45 साल रिलीज हुई है। इसमें बताया गया है कि कैसे पंजाब में कांग्रेस का टिकट पाने के लिए पहले प्रशांत किशोर की फौज को खुश करना जरूरी होता है। कृष्ण कुमार बावा की किताब के हवाले से कांग्रेस की भीतरी सच्चाई पर कई खुलासे किए गए हैं। बावा ने अपनी किताब में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के काम करने के तरीके को उजागर किया है। उन्होंने बताया कि यहाँ शरीफ होना पाप है। कई लोग जो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े भी नहीं हैं, वे भी यहां प्रशांत किशोर की फौज को खुश करके टिकट ले लेते हैं, जबकि शरीफ होने के नाते उन जैसों को साइड कर दिया जाता है। 2017 में उनके साथ ऐसा ही कुछ हुआ था, जहां पहले उन्हें लुधियाना पूर्वी हल्के से चुनाव में उतारने की बात हुई, लेकिन बाद में उनका टिकट कट गया। गौरतलब है कि मैसेजिंग ऐप क्लब हाउस पर प्रशांत किशोर के साथ बातचीत में लुटियंस मीडिया के कई चेहरे शामिल थे, मसलन रवीश कुमार, साक्षी जोशी, आरफा खामन शेरवानी, रोहिणी सिंह, स्वाति चतुर्वेदी वगैरह। इस दौरान प्रशांत किशोर ने कहा था कि मोदी के खिलाफ एंटी इनकमबेंसी नहीं है, मोदी का पूरे देश में एक कल्ट बन गया है। 10 से 25% लोग ऐसे हैं जिनको मोदी में भगवान दिखता है, चाहे वो सही दिखे या गलत, वो एक अलग बहस का मुद्दा हो सकता है। यहाँ का हिंदी भाषी मोदी का कोर बेस सपोर्ट है और मोदी काफी पॉपुलर है। अगर आप इधर सर्वे कर रहे हैं तो मोदी ममता समान रूप से पॉपुलर है। पंजाब की पार्टी के नेता ने कई राज खोले हैं, जिसमें इस बात का भी जिक्र है कि टिकट पाने का रास्ता प्रशांत किशोर से होकर गुजरता है। अभी के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।